भाई गाड़ी तो ये है खरीदने वाली, C63 AMG। पहले अरे भाई चाचा क्या कर रहे हो, कार्ड चोरी तो नहीं हो गया, किसी ने टैप तो नहीं कर दी इधर उधर। और उसकी एवरेज आती थी भाई 350 किलोमीटर चलती थी बस। भाई मेरे को एक चीज ध्यान में आई कि अगर उन लोगों ने वीडियो देख ली, ऑलमोस्ट पहुंच गया, मैं च्युइंगम खा रहा हूं, भूल गया मैं, मानी हो जाएगा मेरा इंटर्नशिप में एडमिशन। ऊपर करके हमने किया ही है, दिखाया कि मैं फिल्म मेकिंग के लिए बहुत पैशनेट हूं। आगे बढ़ने से पहले एक ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर बात कर लेते हैं। थोड़ा टाइम पहले ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जहाँ पर मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रेंटल प्रॉब्लम्स कितनी हो रही हैं, ठीक है, कितने सारे लोग आ रहे हैं इंस्पेक्शन पे। मान लो अगर आप लोगों को एक घर कोई पसंद आया, वो आपको ही पसंद नहीं आएगा, वो बहुत सारे लोगों को आएगा, तो काफ़ी सारे लोग इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। और इंस्पेक्शन के बाद क्या होता है, आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, आप लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव होती है नहीं होती काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप लोगों की इनकम स्टेटमेंट, आप लोगों का प्रीवियस रेंट लेजर, आप लोगों के रेफरेंसेस, प्लस जब भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया होते हैं तो हम लोगों को एक सेफ ऑप्शन चाहिए होता है कि भाई हम पहले से ही घर लेकर रख ले। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी लिविंग लेकर आया ब्लैक फ्राइडे सेल। यू विल बी गेटिंग बेस्ट डील्स, बेस्ट ऑफर्स टिल 24th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, नवंबर चल रहा है ना, 24 नवंबर तक ये डील है। आप लोग घर बैठे बैठे अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी लिविंग के साथ बुक कर सकते हो ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। प्लस इनकी जो अकोमोडेशन होती है वो यूनिवर्सिटी के पास होती है। मतलब अगर आप लोगों को ऐसे हो रहा ना कि भाई मेरी 10 बजे की क्लास है और मान लो आप 1-1.5 घंटा दूर रहते हो, क्लासेस मिस हो रही है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम तो होंगी नहीं अगर आप लोग आसपास रहते हो, बहुत ज्यादा आलसी हो तो हो सकती है कि भाई 5 मिनट उठ के भी जा नहीं सकते यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी लिविंग की जो अकोमोडेशन होती है ना काफी ज्यादा मस्ती होती है, ठीक है, कॉमन एरिया होते हैं, शेड एरियाज होते हैं, आप लोग अपने दोस्त बना सकते हो, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जो मतलब वहां पर रहेंगे आप लोग अकोमोडेशन में, बाहर भी क्या बातें कर रहे हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो क्योंकि बेस्ट डील्स और बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं ब्लैक फ्राइडे सेल के। और जो लोग बाहर रहते हैं वही नहीं, जो यहाँ पर भी रहते हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको घर लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब वेरी गुड मॉर्निंग इन हर कैट चैनल, तेजी में तुषार जा और लिफ्ट चलेगी भाई, नीचे अभी यहीं थी इसी फ्लोर पे, जैसे ही मैं टैप करी नीचे चलेगी। आज के इस वीडियो में भाई मैं अपना देने जा रहा हूँ इंटरव्यू फॉर रुको एक बार और 12 बजे इंटरव्यू था, मतलब उन्होंने खुद ही पूछा था व्हाट टाइम सूट्स यू, तो मैंने 12 बजे बोला और अभी 11:47 हो गए और 22 मिनट का रास्ता है, बोलेंगे अपने टाइम पे भी भाई लेट। यार मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ यार, कहाँ गया, बिना लाइसेंस के जा रहा हूँ आज मैं। हाँ मैं क्या कह रहा था, वो बोलेंगे अपने टाइम पे आ रहा है उस पर भी लेट। तो सीन क्या है भाई, किस चीज़ की इंटर्नशिप है, तो भाई मैं मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन कर रहा हूँ ना, पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में, मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन कर रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं है। जब लेट हो रहे हो ना तो डबल लेट ऐसे होते हैं भाई। हाँ मैं कह रहा था जब लेट हो रहे होते हैं ना तो यही सारी चीजें होती है। वैसे तो टाइम पे था भाई, मैं 10-12 मिनट ऊपर अपना वॉलेट ढूंढ रहा, मिल नहीं रहा, फिर मैंने सोचा भाई एक होप थी गाड़ी के अंदर होएगा, गाड़ी में भी नहीं है, उसके अंदर लाइसेंस है भाई, मेरे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्या करें भाई। खैर वो एप्पल पे में भी है तो उससे पेट्रोल भर जाएगा, क्रेडिट कार्ड में एप्पल पे में नहीं लगा के रखता क्योंकि क्रेडिट कार्ड की बड़ी गंदी आदत होती है ना भाई, कुछ भी कभी भी अच्छा लग रहा है तो टैप कर दो, एप्पल पे करना ना यूज आसान है ज्यादा, रेदर देन कार्ड निकालो वॉलेट खोलो। तो इसलिए मैं अपना क्रेडिट कार्ड कभी भी उसके अंदर नहीं रखता, अपने एप्पल पे में हमेशा डेबिट कार्ड रखता हूँ। और भाई पहले अरे भाई चाचा क्या कर रहे हो, अभी पहले मेरे को ट्रांजैक्शन चेक करनी पड़ेगी अपने क्रेडिट कार्ड की, कि कार्ड चोरी तो नहीं हो गया, किसी ने टैप तो नहीं कर दी इधर उधर। अरे बेवकूफ का बच्चा, चल सीधा, एकदम से ब्रेक मार दी। कहाँ जाना, मैप तो लगाऊं, पहले पेट्रोल भरवाना, कहीं नहीं जाना, पहले पेट्रोल। उनको मैं मेल कर देता हूँ कि भाई मैं लेट और आई एम रियली सॉरी, टायर पट गया, वही अपने वाहन है। ये अगर मेरा प्रोफेशन होता जैसे IT होता है ना, अकाउंटिंग होता, इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू होता, प्रॉपर टाइम पे जाओ, बट फिल्म मेकिंग है भाई, टाइम तो जाना ही है, जाना ही जाना है टाइम पे, बट थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर चलता है ऐसे, है ना, समझ रहे हो ना, फिल्म मेकर्स। जगह दे दो भाई, भाई भगवान कसम, देखो मैं पेट्रोल पंप पे पहुंचा, मेरा फोन ऑफ हो गया, बैटरी 1%, अभी चार्ज पे लगाया तो 1% हुआ है, क्या हो रहा भाई मेरे साथ, अनएक्सपेक्टेड। आंटी वेप चूस रही है पेट्रोल पंप पे, आग लगा दे आंटी, पूरी आग लगा दे, चलो भरवाते हैं भाई। और आज क्या रेट हो रहा है पेट्रोल पंप का, $2.37 भाई साहब, भाई देख लो फुल टैंक करा दिया $102 का। अब मैप लगाना है मेरे को, मेल भी करना है, मैं लेट हो गया, एक भाई सब्सक्राइबर मिल गया था यहाँ पे, ये रहा भाई। भाई जो अपनी i30 थी ना उसकी एवरेज फुल इतने का ही भरता था, उसमें भी फुल $100 करीबन, और उसकी एवरेज आती थी भाई 350 किलोमीटर चलती थी बस 40 लीटर में, ठीक है, ये भाई चलती 700, ठीक है, तो इसमें मैं फ्यूल डलवाना भूल ही जाता हूँ, मेरे को आलस आता है, कब डलवाया था, चलती नहीं इतनी, मतलब चलती भी है फिर भी अच्छी एवरेज दे देती है। i30 भाई जुलूस निकाल देती है हमारा। तो हमें कह रहे थे एक भाई मिले थे सब्सक्राइबर और वहाँ बातें कर रहा, मैं कहा भाई थोड़ा सा ना जल्दी बात कर लेंगे अभी हम, क्योंकि भाई निकलना मेरे को और ठुक जाएगा।
एक चीज ध्यान में आई कि अगर उन लोगों ने वीडियो देख ली और मैंने उसमें बोल दी, मतलब बोला हुआ है ना अभी मैंने कि 10-15 मिनट ऊपर चलता है ऐसे लेट हो जाओ, तो नहीं चलता गाइस, बिल्कुल नहीं चलता, टाइम पे होना चाहिए। मेरी गलती है, मैं लेट हूँ और मेरी किस्मत भी ऐसी है, यू नो, तीर एंड मी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। उड़ के आगे लगता ही है मेरे, कुछ भी करूँ भाई मैं, बताओ वॉलेट गुम हो गया और ऊपर से पेट्रोल भी नहीं था गाड़ी में, $100 और लग गए। स्कोडा जा रही है सुपर्ब, ये तो भाई दिखती नहीं है, बहुत कम दिखती है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी टैक्सी बना रखी सुपर्ब। ओ भाई साइड में शमशान घाट आ गई, ओम नमः शिवाय, और 10 मिनट दूर हूँ मैं। भाई जब लेट हो रहे हो ना आपको सारी रेड लाइट मिलती है। मैं एक चीज भाई बतानी भूल गया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे ना सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जाके आप लोग कर सकते हो भाई, अपनी 50% ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देख के ऐसे ही आप लोग चले आते हो, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आपका, 1 सेकंड का क्लिक कर दो, अपने मौज हो जाएगी, मजा आ जाएंगे, 500,000 सब्सक्राइबर्स का गोल रखते हैं भाई। मैं पहुंच गया लोकेशन पे और ये सेन किल्डा बीच के पास की लोकेशन है, देख लो इसके उधर कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं, समुंदर है सारा। पार्किंग हमको मिल गई है और अब मेरे को लोकेशन देखने की जाना कहाँ है, और पार्किंग लकीली सही जगह मिल गई, फ्री पार्किंग होगी। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया, मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, भूल गया मैं, ठेक के आनी पड़ेगी। इंटरव्यू हो गया था, मैं घर आके सो गया था, ठीक है। उसके बाद भाई मैं मतलब भूल ही गया कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है ना, वीडियो बना रहे हो मुंह उठा के, पता ही नहीं क्या हो रहा। उस दिन मैंने शूट नहीं किया था, फिर अभी ये थोड़ा टाइम बाद मैं ये वाला पार्ट सिर्फ शूट कर रहा हूँ। तो सीन क्या हुआ था, इंटरव्यू में क्या हुआ था, इंटरव्यू में मैं गया, बैठा मैं ऐसे ही वेट कर रहा था वहाँ पे, फिर भाई जिनसे मेल पे बात हुई थी उनसे मैं मिला, ठीक है। उन्होंने पूछा कि भाई व्हाट डू यू डू और ये सब, कि फिर मैंने पूरा बताया हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। पहले मैं सिडनी आया था, मैं अकाउंटिंग कर रहा था, फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मतलब उनको पैशनेट दिखाया कि मैं फिल्म मेकिंग के लिए बहुत पैशनेट हूँ, मैंने अभी एक मूवी डायरेक्ट करी है, एक्ट करी है, क्या करते हो, मैंने उनको बताया पहले सिडनी आया, पूरा पैशनेट हूँ मैं फिल्म मेकिंग के लिए, अभी मैं फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ रहा हूँ मास्टर्स। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको हमारी कंपनी के बारे में पता है, फिर मैंने बताया उनको, हम पूरा रीड करके गया था, पूरा रिसर्च करके गया था, ठीक है, यही मेरे को पता है। फिर उन्होंने और एक्सप्लेन करा उस चीज़ को, हाँ बिल्कुल बढ़िया। फिर उसके बाद भाई मतलब इतना ज़्यादा कोई इंटेंसिव मेरा वो नहीं था इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि भाई मैं रेफरेंस के थ्रू गया था, मेरा एक दोस्त है वो भी वहाँ पे काम कर चुका है, तो उसने बोला भाई चला जा इंटरव्यू दे दे, मैंने बात कर लिया उनसे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है, अगर आप लोगों की रेफरेंसेस नहीं है तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, हार्ड हो जाता है। लिंक्डइन से या फिर इंडीड से या सीख से आप लोगों ने इंटर्नशिप ढूंढी, फिर आप लोगों ने उनको मैसेज किया, ठीक है, मतलब मैसेज नहीं, आप लोगों ने ईमेल किया या फिर अप्लाई किया, तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, अलग अलग जैसे ही जॉब मिलती है वैसे ही सीन होता है। हम लोगों को इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट है ये, उसकी वजह से मेरे को इंटर्नशिप करनी करनी है, नहीं तो भाई अनपेड काम करने में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौत आती है, ठीक है। अब भाई मेरे को करने हैं 100 से 160 के बीच में, कितने भी कर सकता हूँ, 3 महीने की इंटर्नशिप है, तो सिर्फ मेरी मंडे को इंटर्नशिप होगी, ठीक है, ओनली मंडेस अगले 3 महीने तक भाई इंटर्नशिप है मेरी, हर मंडे जाना होगा, तो हाँ वो भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अभी भाई हम लोग आ गए हैं कोल्स, कोल्स से भाई वो लेना है, एक इंपॉर्टेंट चीज वो होती है ना टॉयलेट रोल, तो आप लोगों ने सुने होंगे वहाँ टॉयलेट रोल ही होते हैं, एक ना आते हैं फ्लशेबल वाइप्स से, टॉयलेट रोल से तो भाई ऐसा लगता है छील दिया भाई तुमने, फ्लशेबल वाइप्स हेल्प कर देते हैं, थोड़े बेट बेट से होते हैं, दिखाता हूँ भाई, ये होते हैं फ्लशेबल वाइप्स, एक ही बड़ा है, ये तो टॉयलेट रोल हो गए नॉर्मल, ठीक है, बट अगर आप ये उसके बाद ये यूज़ करोगे ना तो आपकी डुई सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा, मतलब अच्छा लगता है यूज़ करके देखना, और इसकी अगर आदत पड़ जाए तो बहुत गंदी आदत है भाई, ये नहीं होता फिर डुई छिल जाती है नॉर्मल अगर हम लोग धोते हैं तो, इसलिए ये एक ही बड़ा है इनके पास, मैंने उठा लिया। और क्या लेना था मेरे को, दूध और ब्रेड, दूध है भाई ऑलमोस्ट $5 का, ये रही ब्रेड आ गया भाई, ये सारा चार चीज़ है $18 की भाई, ले लिया सामान, हाँ इसको ध्यान से देखो, नॉन स्पॉन्सर्ड है भाई, इससे बढ़िया रहता है, और इसकी ना मैं पेटी मंगवा लेता हूँ अमेजोन से, 40 की पेटी आती है इसकी, करीबन $53 की, बट यहाँ पे कभी कभी सस्ता लगा होता है, बट आज महंगा था। तेरी रील तो बड़ी पसंद आई भाई लोगों को, केंजो पता है तेरे को, भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है केंजो की, हमने रील डाली थी, जाके चेक करो एक बार, पूरी देखना एंड तक भाई। तो शाम हो गई है, मानी कहती मेरे को उस रेस्टोरेंट पे फिर से जाना है जहाँ पे हम गए थे, जहाँ पे तेरे को खाना अच्छा नहीं लगा था, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा वहाँ पे, कहती मैं घर पे आके तेरे लिए बटर चिकन बना दूंगी, मैंने कहा ठीक है फिर चलो, ठीक है ना, मैं मोमोज ले आऊंगा पैक करा के, बटर चिकन में डुबा दूंगा, ठीक है मानी, हाँ हाँ मानी, हो जाएगा मेरा इंटर्नशिप में एडमिशन।
मतलब इंटर्नशिप मिल जाएगी? मिल जाएगी ना, लायक हूँ मैं? नहीं। अच्छा ठीक है। अरे पागल है क्या, मिल जाएगी? अनपेड ही है वैसे। हाँ तो अनपेड लेबर किसे नहीं चाहिए। ट्रू। मैं अनपेड लेबर हूँ। चलो वानी, मिनी कूपर की चाबी कहाँ है? यहाँ नहीं पूछता भाई कोई मिनी कूपर को, इसकी वैल्यू नहीं है इतनी, बट ठीक है क्यूट सी गाड़ी है भाई। गाड़ी तो ये है खरीदने वाली, C63 AMG। इस गाड़ी का प्राइस बताओ इंडिया में क्या है वानी, पता है क्या है इसका? C63 AMG। यहाँ पे कितनी आती है? 1.5 लाख। 1.5-2 लाख नहीं, 2.5 लाख की आती है यहाँ पे। नहीं पर अगर तुम ऐसे भी चल 2 लाख तो लगा लो मैंने। हाँ। तो $2 लाख कितने हो गए इंडिया के? 2 करोड़। 1 करोड़। इसकी मैथ खराब है भाई। हाँ 2 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब इंडिया में बताओ भाई कितनी आती, नीचे कमेंट कर। घर की डाउन पेमेंट हो जाएगी। मत लेना डाउन पेमेंट है घर की भाई, डाउन पेमेंट से भी ज्यादा, 2 घर आ जाएंगे लाख लाख के, 10-10% डाउन पेमेंट डाल के मिलियन मिलियन के, बाकी किस्तें बढ़ते रहो। और अगर गाड़ी का लोन ले लिया तो फिर घर का नहीं ले पाओगे? हाँ वो होता है थोड़ा सिस्टम, हमको भी नहीं पता लगता। मैं बट प्रेफर ये करूँगी पहले घर, पहले घर, गाड़ी का तो मिल ही जाएगा लोन, क्योंकि घर का तो फिर घर की जब वैल्यू बढ़ेगी उसकी इक्विटी बढ़ेगी उससे गाड़ी। समझ आ रहा भाई, ऐसे होता है। और हम इसलिए ज्ञान दे रहे हैं कि हमने भी कुछ नहीं किया तो मत लेना। मत लेना, हमने भी नहीं लेनी ना, बट इतना पता है तो बता दिया, बाकी नहीं। भाई कितनी दूर है भाई, हम कहाँ से कहाँ जाना है? पूरा चल के जाना है, नीचे कोल्स के सामने वाला कोई एलिवेटर है उससे नीचे जाना है। नीचे जाना है ना हमको? अरे क्या है ये, बेवड़ा बेवड़ा सीधा हो। अरे आगे वानी, एक्साइटमेंट लेवल शो कर। वाओ भाई, बस जिंदगी में ये खाना रह गया था भाई। ये है वेजिटेरियंस, वेजिटेरियन डम्पलिंग्स, और ये ग्रीन कलर का तो पक्का पता लग रहा है वेजी है ना वानी? हाँ, फोटो खींच ली। स्माइल कर, फोटो खींच रहा हूँ। गैस बन रही है मेरे, रात को मैगी खा ली थी, क्रेविंग हो रही थी भाई, मैगी की अलग से चूल उठती है ना, वो क्रेविंग हो रही थी तो भाई वो फिर बड़ी मुश्किल से साफ हुआ पेट सुबह। Thank you.